हेलो गाइज, ऑल हेल्प हिंदी की यूट्यूब चैनल में खास खास इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल से थीम कैसे हटाएं, यानी कि पहले वाली थीम कैसे सेट करें मोबाइल पे। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक वॉच कर सकते हैं। अगर आपने अपने मोबाइल में किसी नई थीम को इंस्टॉल किया और इसे हटाना चाहते हैं तो फिर कैसे हटा सकते हैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप अपने डिवाइस में किसी भी नई थीम को सेट करते हैं तो इससे आपके डिवाइस में कई सारे चेंजेस आ जाते हैं। आपके डिवाइस का वॉलपेपर चेंज हो जाता है, उसकी फॉन्ट चेंज हो जाती है और ऐप आइकॉन का स्टाइल भी बदल जाता है। तो इस तरीके से आपके डिवाइस का लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। लेकिन कई सारे लोग अपने डिवाइस में जब नई थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं तो उन्हें पहले पहले तो वो थीम बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन फिर वो बाद में अच्छी नहीं लगती और उसका इंटरफेस भी उन्हें समझ में नहीं आता, तो वो अपनी पुरानी थीम को ही अपने मोबाइल में सेट करना चाहते हैं। तो आप बहुत ही आसानी से न्यू थीम को रिमूव कर सकते हैं और ओल्ड वाली थीम को अपने मोबाइल में सेट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सरल तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने मोबाइल की न्यू थीम को हटा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि सभी मोबाइल का यूजर इंटरफेस एक जैसा नहीं होता है, वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन अलग अलग जगह पे होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो तो सभी मोबाइल में एक ही बार करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा सर, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन कर लेना है। अपने मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन वाला एक ऑप्शन दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रोल करना। नीचे की तरफ स्क्रोल करने पर यहाँ पे आपको थीम्स नाम से एक ऑप्शन दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। यहाँ पे कहीं आपको अपने मोबाइल की सारी थीम्स दिखने लगेंगी। अगर आपके डिवाइस में होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन वाला ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको बैक जाना होगा, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स वाला एक ऑप्शन दिखेगा कि किस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिंपली थीम से लिख देना है। थीम से लिखेंगे ना तो यहाँ पे आपको थीम्स वाला एक ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आपको थीम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी आपको यहाँ पे अपनी मोबाइल की सभी थीम्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके डिवाइस में जो भी थीम्स इंस्टॉल की होंगी और आपने जो भी नई थीम आपके मोबाइल में होगी वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं गाइज की यहाँ पे थर्ड नंबर वाली थीम सिलेक्ट और यहाँ पे आप डिफॉल्ट थीम देख रहे हैं, वो मेरे मोबाइल की ओल्ड थीम है। तो अगर आप अपने मोबाइल की थीम को बदलना चाहते हैं ना तो आपको सिंपली डिफॉल्ट थीम पर क्लिक कर देना है। वो डिफॉल्ट थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद है ना आपकी थीम है ना पहले जैसी हो जाएगी, जैसी आपकी डिवाइस की पहले वाली थीम थी। तो गाइस इस तरीके से ना आप आसानी से अपने मोबाइल में थीम को बदल सकते हैं। अभी आप जान गए होंगे कि अपनी मोबाइल में ओल्ड थीम को कैसे सेट करते हैं, न्यू थीम को कैसे हटाते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।